हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोग्राफी मेड इजी। तो मैं एक और वीडियो लेके चला आया हूँ। तो अभी हम लोग कैलकुलेशन और ड्राइंग को देखेंगे वर्नियर स्केल का। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ ए वर्नियर स्केल टू रीड 3.58 इंचेस व्हेन 9 मेन स्केल डिवीशन कोइंसाइड विथ 10 वर्नियर स्केल डिवीशंस एंड वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीशन इज 0.1 इंच। ये कैलकुलेशन करने के लिए हम ऐसे लिख के शुरू करेंगे। अभी देखिए, वर्नियर कांस्टेंट निकालना पड़ेगा पहले ही। तो वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल डिवीशन ऑफ मेन स्केल 0.1 इंच, इसे हम लोग डी भी बोलते हैं। ये डी है हमारा, और नंबर ऑफ डिविशंस ऑफ वर्नियर स्केल इसे हम एन बोलते हैं। ये हमारा है 10। देयरफोर वर्नियर कांस्टेंट बी सी इक्वल टू डी बाई एन। सो डी का वैल्यू है 0.1 इंच और एन 10, तो 0.01 इंच, ये हमारा वर्नियर कांस्टेंट आ गया। अभी रीडिंग टू बी शोन 3.58 इंचेस मेन स्केल रीडिंग 3.50 इंच वर्नियर स्केल रीडिंग 0.08। अभी नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीशन कोइंसाइडिंग विथ एनी डिवीशन ऑफ द मेन स्केल, यह हमें निकालना है। ऐसे लिख के नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इसका फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग। देखिए, मैं ये मेन स्केल को एम डॉट एस लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में ऐसा मत करिएगा। मेन स्केल को मेन स्केल ही लिखना और वर्नियर स्केल को फुल फॉर्म में वर्नियर स्केल ही लिखना और वर्नियर स्केल रीडिंग। सो मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाई वर्नियर कांस्टेंट। अभी मेन स्केल रीडिंग है 3.50, वर्नियर स्केल रीडिंग है 0.08, वर्नियर कांस्टेंट है 0.01। तो गाइस, मुझे लगता है यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ऐसे मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग नहीं होगा। ये टोटल स्केल रीडिंग से मेन स्केल रीडिंग को डिवाइड कर माइनस करना पड़ेगा। तो इसे मैं काट दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। सो टोटल रीडिंग माइनस मेन स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय वर्नियर कांस्टेंट। तो टोटल रीडिंग हमारा 3.58 माइनस मेन स्केल रीडिंग 3.50 डिवाइडेड बाय 0.08। तो अभी
3.58 माइनस 3.50, तो आई मीन 0. ये वर्नियर कांस्टेंट 0.01, तो ये जो आया है वो आया है 0.08, इसको डिवाइड कर देंगे 0.01 से, तो 8 आ जाएगा। तो 8 डिवीजन, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्नियर स्केल का जो 8th डिवीजन है वही मेन स्केल का डिवीजन के साथ मैच करेगा, तो डायरेक्ट हमें यहाँ से पता चल गया। तो अभी ये तो कैलकुलेशन हो गया, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होता है वर्नियर स्केल में। तो अभी देखिए ड्राइंग करना पड़ेगा, ड्राइंग के लिए क्या लगेगा, ड्राइंग के लिए हमें स्मॉल डिवीजन ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल को देखना पड़ेगा, 0.1 इंच है हमारा, उसी के तरफ हमें ड्राइंग करना पड़ेगा। तो मैं ड्राइंग करता जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देखिए पहले ना हमें ये लाइन खींच लेना है ऐसे आर्बिटरीली, तो हम इक्वल गैप में भी ले सकते हैं और बीच का थोड़ा सा छोटा भी रख सकते हैं। आई होप इट इज विजिबल। तो ये देखिए मैंने ऐसे लाइन खींच लिया है, एक आर्बिटरी लाइन खींच लिया है। अभी क्या करना होगा, हमें इस लाइन के ऊपर डिविजन्स करना है। सिंपली हम लोग एक मेन स्केल को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक वर्नियर स्केल को ड्रॉ करेंगे। तो हमें दिखाना कितना है, दिखाना है 3.58 इंच। तो 3.58 इंच दिखाना है तो हम लोग 4 और 5 इंच तक हम लोग ले सकते हैं मेन स्केल का। तो अभी वही लेने जा रहे हैं, 5 इंच तक हमें ड्रॉ करना पड़ेगा मेन स्केल। तो गाइस मैंने 6 इंच ले लिया है जानबूझ के ही, यहाँ पे 6 डिविजन्स इंच का हम मैंने ड्रॉ पॉइंट कर लिया है। अभी इसको सेट स्क्वायर की मदद से ज्वाइन कर देंगे। अभी देखिए मैंने ये तो ड्रॉ कर लिया। अभी ये जो एक एक बॉक्स हुआ है ये टोटल, इसमें एक एक बॉक्स का वैल्यू है 1 इंच करके 6 इंच तक। अभी ये सिंगल 1 इंच को हमें और डिविजन्स में डिवाइड करना है एकदम स्केल की तरह। तो ये तो हमने एक इंच कर लिया, तो एक इंच को अगर फिर फर्दर हमें डिवाइड करना है तो हमें जो चीज़ को ध्यान में लेना पड़ेगा वो है मेन स्केल का लीस्ट काउंट, जिसे हम लोग डी से भी पहचानते हैं। तो लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल हमारा था 0.1 इंच, आप देख सकते हैं डी। तो लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल को मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लीस्ट जो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एक टोटल 1 इंच को 0.1 इंच कर सकते हैं, क्योंकि लीस्ट ए मेन स्केल है और लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल 0.1 इंच है। तो ये 1 इंच को मैं 0.1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच तक लेके जाऊंगा। 5 इंच का जो लाइन होगा वो इधर तक जाएगा, इतना नहीं जाएगा इधर तक, फिर 1 2 3 4 5 ये मिलके 10 इंच 1 इंच हो जाएगा, 10 डिविजन्स ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ एंटायर, फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी ऐसा दिखने का मतलब दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको एक इंच को हाफ इंच में पहले डिवाइड किया और हाफ इंच को भी मैंने डिवाइड कर लिया। मतलब एक एक अगर आप स्मॉल यूनिट देखोगे ये सब स्मॉल यूनिट 0.1 इंच करके है। तो अभी हमारा मेन स्केल कंप्लीट हो गया। तो लीनियर स्केल की तरह हमें यहाँ से 45 डिग्री एंगल लेना है, एंगल लेके हमें वर्नियर स्केल के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और एक बात भी है, यहाँ पे वर्नियर स्केल को ड्रॉ करने से ये वर्नियर स्केल के मदद से हमें यहाँ पे स्लाइड कैलिपर्स वर्नियर स्केल का बनाना पड़ेगा, उसी से हम लोगों का कैलकुलेशन होगा। और यहाँ पे जो वर्नियर स्केल को बनाना है उसके पहले देखना पड़ेगा कि कितना मेन स्केल डिवीजन कितना वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो हमारा जो वर्नियर स्केल होगा उस वो 10 डिवीजन का होगा और 9 डिवीजन, 9 डिवीजन ऑफ द वर्नियर मेन स्केल के साथ, ये जो 9 डिवीजन है उसके साथ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैच होगा। मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 45 डिग्री एंगल लेके 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से लेके 10th वर्नियर स्केल डिवीजन पहले ले लिया यहाँ पे 10 डिवीजन और 10th को 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ मैच किया। फिर पैरेलल करके 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 मैंने सिर्फ लाइन को ड्रॉ किया, कहाँ पे मैच हो रहा है उसके बाद आपको देखना नहीं है। पहले वाला जो वर्नियर का 10th डिवीजन है उसके साथ 9 को मिला के आपको पैरेलली इधर पॉइंट इस पॉइंट से आपको लगाते हुए जाना है सेट स्क्वायर की मदद से। अभी ये तो हो गया। अभी ये वर्नियर स्केल का लेंथ हम ले लेंगे और हम एक छोटा सा कागज़ में एक वर्नियर कैलिपर्स ड्रॉ करेंगे।
ये देखिए गाइज, मैंने छोटा एक कागज़ ले लिया, तो इसको अब आपको फोल्ड करना है बीच में, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, ये भी प्लेस करके, ये जो दाग गया है ना, ये सब स्ट्रेट लाइन, 10 स्ट्रेट लाइन, ये कहाँ पे गया के मैच किया है, ये जो लाइन है यहाँ पे, उसको पॉइंट कर लेना है ये कागज़ में। तो वर्नियर स्केल ऐसे करना होता है। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 10 डिविजन्स यहाँ से मार्क कर लिया है यहाँ पे बैठा कर। तो अभी इस 10 डिविजन को एक वर्नियर स्केल का रूप देता है यहाँ पे स्केल से। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डिवाइड करके कर दिया। अभी ये जो स्मॉल डॉट्स है उसको भी ऐसे ऐसे कर देंगे स्केल से। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो एक एक जो मतलब बॉक्सेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक बॉक्स थोड़ा सा मोटा है, एक थोड़ा सा पतला है। तो ये मेरा ही फ्लॉज है, आपको यूनिफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल में बहुत ही मतलब नीट एंड क्लीन करना होता है, ये हर एक बॉक्स 0.1 इंच करके एक्यूरेट होना चाहिए। तो उसके लिए आपका जो वर्नियर स्केल का ड्राइंग है ये वाला, वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो आपको मतलब एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा यूनिफॉर्म नहीं होगा। फिर भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, एग्जाम में आपको एकदम इत्मीनान से करना है। तो आप अभी देखिए, रीडिंग दिखाना था 3.58 इंच, तो 3 इंच यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो उसके बाद जो स्मॉल 8 होगा वो कैसे निकाल दो? एक तो यहाँ पे स्मॉल 1 है, 0.1 है, तो इसका जो 8th डिवीजन है वो उसके साथ मैच करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3